हम लाहौर से आए हैं बलूचिस्तान के अंदर, हम यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे कि यहाँ पे हालात देखे जाए। आज ही हमने सुना है कि तीन चार अटैक हुए हैं, पांच अटैक हुए। किस किस जगह पे हुए हैं? सिबी में हुआ है, पशीन में हुआ है, खानोजी में मैं खुद मौजूद था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और दूसरा किला सिपला में हुआ है, इधर क्वेटा में हुआ है। सर ये बताएं क्यों, मतलब हमने हमेशा कश्मीर फलस्तीन के नारे लगाए हैं, अपने बलूचिस्तान में ये हालात है, क्यों दहशतगर्दी खत्म नहीं कर रहे, क्यों लोगों को फैसिलिटीज नहीं दे रहे? हम लोगों को चाहिए पहले हम लोग फलस्तीन से नजरें हटा लें, पहले अपने तरफ कर ले। सर आप देखिए आज कितनी डेथ हुई है, 5 फरवरी को लाहौर के अंदर ना कश्मीर की यकजहती के लिए नारे लगाए गए, ठीक है ना। तो ये जो बलूचिस्तान था जहाँ पे आज 4 अटैक हो गए कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, खुद लोगों ने अपने मदद आपके तहत यहाँ पे काम किया, तो सर मुझे ये बताएं फिर मतलब हमारी रियासत को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए? बिल्कुल ये सही बात है, आपने लुकमान भाई की बात की, माशाल्लाह लुकमान भाई का बड़ी मेहरबानी जो आपको यहाँ पे बुलाया है। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मेरे जो है फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी या वैसे देखा जाए तो मैं पहला इंसान हूँ जो यहाँ पे आया, और हालात सुन के मुझे कसम से रोना आ रहा है। हमें ऐसे थ्रेट्स मिले हुए कि हम लोग अगर इधर खड़े हैं ना 2 मिनट का हमें नहीं पता कि हम यहाँ से जिंदा जाएंगे या नहीं, बस आप खुद समझ। ये हालात है बलूचिस्तान। बिल्कुल आज को कल का दिन जो 2 दिन है ना थ्रेट्स मिले। हमेशा यहाँ पे कहा गया है कि इधर जो भी कुछ हो रहा है इंडिया रा की फंडिंग से होता रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं अगर वो लोग यहाँ पे, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो पहुँचते थे तो हमारे सियासतदान ही यहाँ पे पहुँच सकते थे, लोगों के हालात सुनते, यहाँ पे इनको एजुकेट करते, सिस्टम को बेहतर करते। सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस लिए आ रहे हैं? बॉर्डर बंद कर दे, सील कर दे। सर क्या आते होंगे आप बताएं, जितनी सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं या हर चीज है। सर अभी देखो आज धमाके हुए, उसकी जांच पड़ताल की जाए। हम लोगों ने तो सुना था कि हम लोग समंदर में सुई भी ढूंढ सकते हैं, तो फिर ये भी ढूंढते, सिंपल सी बात है। उसमें अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो उसका एडवांस में जवाब ही रहेगा। असल चीज हम लोग का देखो लीड करने वाला पाकिस्तान में कोई हुकूमत आया ही सही, वो आवाम की नुमाइंदगी करने वाला आया ही नहीं है, ना आने दी है। मुझे ये बताएं बलूचिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं ये क्यों हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती? जिस टाइम ब्लास्ट हुई थी ना उस टाइम ना कोई एम्बुलेंस था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। ये पाकिस्तान आपने देखा होगा, वीडियो आप मुझे दिखाइएगा, मैं साथ लगाऊंगा भी। ये बलूचिस्तान है जी, जी जी ये पाकिस्तान का हिस्सा है, सिफला का बता ये पाकिस्तान का हिस्सा है जी। जी जी अभी तो ये बता रहे कि यार 25 है, लेकिन हम लोगों का जो इतला हुआ है वो 85 से भी ज्यादा अफराद है, 85 से ज्यादा अफराद हुआ है। जो सर कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? जो मच का सुना था 3 दिन पहले, सुना है कि 28 से ज्यादा अटैक मतलब यहाँ पे हुए, यहाँ पे तकरीबन 24 आवर्स यहाँ पे फाइट्स चल रही थी। ये लोग बोल रहे थे कि बेले वालों ने हमला किया, अभी तो अल्लाह को पता है। मुझे एक चीज बताए यहाँ पे हमेशा हमें ये कहा जाता था कि ये लोग नारे लगा रहे कि एम्बुलेंस कुछ सिस्टम भी नहीं है। हमेशा हमारे यहाँ पे एक बात की जाए कि यहाँ पे रा की फंडिंग रही है इंडिया की, तो क्या वो लोग यहाँ पे पहुँच जाते तो हमारे सियासतदान नहीं पहुँच सकते यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सियासतदान को चाहिए कि यार इधर भी थोड़ा सा तवज्जा दे। ये लोग सिर्फ उसको तवज्जा देते हैं, वोट को देते। सबसे पहले हमें एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। ये क्वेटा में जो पठान है, जो बलोच है, ये काफी एजुकेटेड है माशाल्लाह। मैं सलूट करता हूँ। हाँ जिस संदर्भ में आप देख रहे हैं पीपल टीवी, इस टाइम पीपल टीवी हमजा इरफान बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, और मच ये अगर आपको दिखाएं तो मच ये वही एरिया है जहाँ पे 2 दिन पहले अटैक हुआ था बलूचिस्तान के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 30 डेट को यहाँ पे पूरे जो बोगी है ट्रेन की उड़ा दी गई थी, जिसमें तकरीबन कोई 70 से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनकी जान गई थी। कवरेज करना आसान नहीं था बलूचिस्तान के अंदर। मैं तकरीबन यहाँ पे 3 दिन से मौजूद हूँ, मेरी फ़्लाइट थी कोयटा की, उसके बाद मैं लोकल यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ। ट्रेन की बात की जाए क्योंकि ट्रेन इन एरिया में आती है, यहाँ पे आपको कोई रोड या कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे मतलब टोटली जो एरिया था ये दहशतगर्दों ने कर लिया था, लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको तकरीबन काफ़ी हद तक इसको क्लियर करवाया है। यहाँ ये अगर आपको ये कैमरा मैन दिखाया तो यहाँ पे ही पुलिस स्टेशन था जिधर जो है वो अटैक हुआ था 2 दिन पहले। तो मैंने सोचा कि मतलब कंफर्ट जोन से निकल के जब आपने अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करना था तो आपको आना पड़ता है। इस टाइम फर्स्ट टाइम पीपल टीवी आपके जो बलूचिस्तान आपको दिखा रहा है, कश्मीर की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, तो हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे। तो अभी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर 100 लोग भी देखें तो शेयर करें। मुझे कसम से बुखार भी था रात को, मतलब वॉमिटिंग भी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना आसान नहीं होता। यहाँ पर ही ये वो एसेट्स हैं, कोले की कानों की बात की जाए, ये कोले की कानें भी यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ से कोला वगैरह निकलता है। और यहाँ पे तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने आना था तो मेरे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे सपोर्ट दी गई, चाहे वो बहुत एक दो यूट्यूबर थे जिनकी वजह से मुझे सपोर्ट मिली। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा उन जगहों पर जाता हूँ जहाँ पर आज तक कोई ना गया हो। जो बात करते हैं लाहौर में बैठ के या करते हैं मतलब कम्फर्ट जोन में बैठ के, उनको चाहिए कि बलूचिस्तान के हालात भी दिखाएं। अगर वो नहीं आ सकते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, देखें हर किसी की मजबूरियाँ थी, लेकिन ये चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर जितना हो सके करें। मैं आपको बलूचिस्तान के हालात दिखाऊँगा, मैं आपको बलूचिस्तान
कि वो कंडीशन दिखाऊंगा जहां तक आज तक किसी ने भी नज़र नहीं डाली। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था, बाकी मैंने कवरेज तो काफ़ी की है, लेकिन मच मेरा मतलब आना यहां पे मेरा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहां पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत ऐसी कंडीशन दिखाऊंगा। पीपल टीवी के साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाय, जैसे संदर्फन आप देख रहे हैं पीपल टीवी, इस टाइम बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है और आज हमने सुना है कि यहाँ पे जो 3 ब्लास्ट हुए हैं, तो कंडीशन बताएं कि ये बलोचिस्तान के लोग कैसे रह रहे हैं यार, सर्वाइव। बिल्कुल, बस अल्लाह रहम करे अपना, इलेक्शन की वजह से हालात हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे हम लोगों पे। सर मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए बलोचिस्तान की, एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुना जाता है कि बलोचिस्तान के अंदर एसएस मौजूद है, तो क्या बलोचिस्तान के लोगों को उसका फ़ायदा होता है या नहीं? बिल्कुल फ़ायदा तो नहीं होता, क्या करें, बस रह रहे जिंदगी गुजार रहे। सही जी। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो कैसा है? थोड़ा सा आए अदनान भाई, क्या नाम है जी आपका? क्या करते हैं अदनान भाई आप? मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब है। अच्छा जी हाँ। आज पंजाब से मेरा आने का मकसद ये था कि एक 10 करोड़ आबादी पंजाब में रहती है और शायद सोए पड़े हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया सोई पड़ी है कि एक हमारे पास बलोचिस्तान भी है। हमने हमेशा कश्मीर के नारे लगाए हैं, फलस्तीन के नारे लगाए हैं, जो अपने हमारे यहाँ पर सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पर आज 3 ब्लास्ट सुने, तो क्या मीडिया या क्या सियासतदान यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या नहीं? फ़िलहाल तो हमें जो आज 3 दाने ब्लास्ट हुए बलोचिस्तान में, एक खलासे फुला में हुआ है, 2 शायद कश्मीर में, 25 लोगों की जाने जा चुकी है, तकरीबन 30 लोगों की जाने जा चुके हैं। बहुत अफसोस की बात है। हमारे सियासतदान जो यहाँ पे ना, इनको सिर्फ वोट चाहिए और कुछ भी नहीं। और आप लोगों के जो पंजाब वाले हैं उन्हें हम बताने चाहते हैं कि यार यहाँ पे भी पठान लोग है, बलोच है, सर इंसान रहते हैं, बलोच इंसान रहते हैं। हमने नारे, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे नारे आते हैं फलस्तीन कश्मीर के, और कल 5 फरवरी था, यकजहती के लिए इन्होंने नारे लगाए, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए नारे लगाए, लेकिन जो अपना बलोचिस्तान है, क्या यहाँ पे इंसान नहीं रहते? नहीं, ये लोग तो हम लोगों को इंसान की नज़र से देखते ही नहीं है, साफ बात है। बिल्कुल हमारे साथ हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिलते ही नहीं है यहाँ पे, सब हम लोग वोट नहीं, सिर्फ इनको वोट चाहिए। क्योंकि एक टाइम तक अगर बात की जाए रियासत ऑफ कल्लात की, ये बलोचिस्तान की अमीर तरीन खित्ता था, ठीक है। आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन से भी महरूम रखा जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे कोयटा में सिर्फ 2 या 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, पूरा बलोचिस्तान में 4 यूनिवर्सिटियाँ होंगे। अभी जो अटैक का आपने बताया सैफुल मलूक में जो अटैक हुआ, किला सैफुल्ला में जो अटैक हुआ, वहाँ से सुना जा रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है, इमरजेंसी बंद पड़ी हुई है। हमारे जो सियासतदान है बिल्कुल बेहोश, जिनको सिर्फ वोट चाहिए, फिर 5 साल तक हम लोग इनको देखते ही नहीं है। ये जो नारे लगते हैं, ये जो नारे लगाते हैं सियासतदान, तो क्या वैसे काम करते भी हैं? कल इलेक्शन भी है यहाँ पे, 8 फरवरी आ रही है, तो क्या समझते हैं यार? सर ये आप लोग तो यूथ हैं, आपको इलेक्शन में नजर आएंगे सारे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जिस टाइम ब्लास्ट हुई थी ना, उस टाइम ना कोई एम्बुलेंस था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। ये पाकिस्तान, वीडियो आपने देखा होगा, वीडियो आप मुझे दिखाइएगा, मैं साथ लगाऊंगा। अभी ये बलोचिस्तान है जी, जी जी, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, सिफला का बता, ये पाकिस्तान का हिस्सा है जी जी। अभी तो ये बता रहे कि यार 25 है, लेकिन हम लोगों का जो इतला हुआ है वो 85 से भी ज्यादा अफराद है, 85 से ज्यादा अफराद हुआ है। जो सर कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? जब मच का सुना था 3 दिन पहले, सुना है कि 28 से ज्यादा अटैक मतलब यहाँ पे हुए, यहाँ पे तकरीबन 24 आवर्स यहाँ पे फाइट चल रही थी। ये लोग बोल रहे थे कि बेले वालों ने हमला किया है, अभी तो अल्लाह को पता है। मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे हमेशा हमें ये कहा जाता था कि ये लोग नारे लगा रहे कि एम्बुलेंस कुछ सिस्टम भी नहीं है, यहाँ देख रहे हो, देख लो ये वीडियो दिखा दो कि हर बंदा को। मैं ये आप मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, मैं लगाऊंगा अभी साथ। हर बंदा आपने बताया था आपके तहत ये कर रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वो नहीं था। मुझे एक बात बताएं, आप लोग माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, यहाँ पे हैं, हमेशा हमारे यहाँ पे एक बात की जाए कि यहाँ पे इराक की फंडिंग रही है इंडिया की, तो क्या वो लोग यहाँ पे पहुँच जाते तो हमारे सियासतदान नहीं पहुँच सकते यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सियासतदान को चाहिए कि यार इधर भी थोड़ा सा तवज्जो दे। ये लोग सिर्फ उसको तवज्जो देते हैं, वोट को वोट देते। सबसे पहले हमें एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। ये कोयटा में जो पठान है, जो बलोच है, ये काफ़ी एजुकेटेड है माशाल्लाह। मैं सलूट करता हूँ यहाँ पे, जो किताब 70 लाख की किताब यहाँ पे जो खरीदी गई थी, और यकीन करें मैं लाहौर से आया हूँ, और जो बलोची स्टूडेंटों के जो सवाल होते हैं ना, अगला जो जिसको सवाल कर रहे थे, चाहे वो प्राइमरी से जो भी हो, वो परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी पढ़ी लिखी और सर्वाइव करने वाली कौन। स्टूडेंट ने बहुत अच्छे सवाल किए थे, बहुत एजुकेटेड, लेकिन हमें कुछ आप मेहरबानी करके
ये न्यूज पे दे सर, मैं जब चलने लगा था ना, जब मैं चलने लगा था तो मुझे सब ने रोका, मैं एक ही बेटा हूँ, मुझे तबीयत खराब थी, मुझे तकरीबन 8 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, 25 साल मेरी उम्र, तो सब ने ये कहा कि आप वहाँ पे ना जाओ, वहाँ पे सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, तो क्या मतलब इनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुननी। यही तो पाकिस्तान की बुराई है कि लाहौर वाले क्वेटा को क्वेटा ने, वो बोलते यार ये सारे दहशत गर्द रहते हैं। और हम लोग जब लाहौर आते हैं ना, जैसे हम लोग अमेरिका जा रहे होते हैं, ये चेक पोस्ट पे इतना जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं कि पूछो मत। चेकिंग शनाख्त कार्ड, जो हमारा नेशनलिटी का जो कार्ड है ना, वो हमारे साथ होते हैं। जब मोदी पाकिस्तानी लिखा है ना ऊपर, ऊपर पाकिस्तानी का है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं आप पाकिस्तानी है ही नहीं, ये 2 नंबर है, आप माजिर हो, ये वो है। अगर क्वेटा का नाम लोगे तो क्वेटा का, अगर आपका शनाख्त कार्ड बलोचिस्तान का होगा। जी हाँ, अभी हमारे दोस्त है कराची के, उनको जब हम लोग बोलते हैं कि आप क्वेटा जाओ, बोलते हैं नहीं यहाँ पे दहशत गर्द है, ये वो है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है सर। है तो मतलब दोस्त है जी, ये पंजाब से है, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, इनका भी शुक्रिया अदा कीजिएगा जो यहाँ पे लेके आने वाले, लुकमान इनका नाम है। यकीन करें मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए। 5 फरवरी को ना, 5 फरवरी को लाहौर के अंदर ना कश्मीर की यकजहती के लिए नारे लगाए गए, ठीक है ना। तो ये जो बलूचिस्तान था जहाँ पे आज 4 अटैक हो गए, कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, खुद लोगों ने अपने मदद आपके तहत यहाँ पे काम किया, तो सर मुझे ये बताएं फिर मतलब हमारी रियासत को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, आपने लुकमान भाई की बात की, माशाल्लाह लुकमान भाई का बड़ी मेहरबानी जो आपको यहाँ पे बुलाया है। हमारे मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मेरे जो है फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी या वैसे देखा जाए तो मैं पहला इंसान हूँ जो यहाँ पे आया, और हालात सुन के मुझे कसम से रोना आ रहा है कि यार ये लोग हैं, मरना है कल, हमने भी हम बात वैसे इंसानियत की करते हैं, ठेकेदार बनते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये हालात है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तवज्जो नहीं है हुकूमत की तरफ से, आवाम को तवज्जो भी नहीं है। ये रोड आप देख रहे हैं, ये क्वेटा का मेन रोड है, देखो इधर रश है, कश है, रोड बड़े नहीं है। पंजाब में आप चले जाए कितने बड़े बड़े रोड है। लोगों को ऐसे थ्रेट्स मिले हुए हैं ना कि ये देख लो, ये भाई बोले कि धमाके होते। आप आए बात करें सर, 2 मिनट आए जरा। जी जी, यहाँ पे हमें ऐसे थ्रेट्स मिले हुए कि हम लोग अगर इधर खड़े हैं ना, 2 मिनट का हमें नहीं पता कि हम यहाँ से जिंदा जाएंगे या नहीं, बस आप खुद समझ। ये हालात है बलूचिस्तान। बिल्कुल, आज को कल का दिन जो 2 दिन है ना, थ्रेट्स मिले। यार मैंने सुना है कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे एरिया, यहाँ पे आज तक ना तो गैस पहुंची ना बिजली। आए जरा, आए जी। नहीं है यहाँ पे कुछ भी सोलर सिस्टम, कुछ भी नहीं है। गैस जो है सिब्बी से जाती है, लेकिन सुई के मकाम से भी सुई के, तो वही सिब्बी के थे। जरा सर, आप सिब्बी और लोरलाई बिल्कुल साथ में है, 80 किलोमीटर फर्क है। लोरलाई में नहीं है, पंजाब में है मेरे भाई, तो आप सोच लो। आप मेरा नंबर लेके, आप भाई का नंबर लेके आपने इनको वीडियो सेंड करनी, ठीक है। आप सर बात करेंगे जरा, आए। थैंक यू सर। कैसे हैं, खैरियत से जी? शुक्र है। क्या नाम है जी आपका सर? क्या करते हैं सर आप? दुकान, कपड़े का दुकान जी। सर मुझे ये बताएं, आज सिर्फ यहाँ से आने का मकसद ये था कि बलूचिस्तान के जो हालात है उनको एक्सप्लोर किया जाए। आपके सामने मीडिया कोई नहीं आती, शायद आपने बहुत देर बाद कोई ऐसा देखा होगा, कोई माइक उठा कर घूम रहा है। सर कोई पता नहीं कि मतलब कोई जो यहाँ पे फिर रहा है वो जिंदा कर जाएगा अभी के नहीं, तो क्या समझते हैं सर इधर क्यों तवज्जो नहीं दी गई, बेहतर क्यों नहीं किया गया, एजुकेशन क्यों नहीं दी गई, रोड क्यों नहीं दी गई, अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दी गई? ये तो अक्सरियत हम लोग अपना भी कसूर है, हम लोग अपना भी कसूर है। हम लोग सामने में लोग बैठे हुए वो रिश्वत में और चीजों में मुलविस है, तो सुबह को तवज्जो नहीं दे रहे। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान का, जो आप अभी बजट देखे जो इस साल में, ये 5 सालों में इसके खरबों रुपए बजट हुआ हुआ है। अच्छा। इस बजट में अभी इसको अगर नेपाल या दूसरा इसको लगाजा करे कि भाई इसमें कितना इस्तेमाल हुआ हुआ है, अब इसमें इस्तेमाल नहीं होता। अभी इस मेन रोड पे हम लोग खड़े, ये इस रोड का 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं कटिंग हो रही है, इसका एक रोड कटिंग नहीं हो सकते। तो ये तो हम लोग खुद मेन रोड है जी, ये मेन रोड है, प्रिंस रोड है, इसको जो हम लोग का खुद कसूर भी, हम लोग अपना भी है, हमारे सियासतदानों के, हमारा आवाम के, उसका भी सर। कि आपके कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे पब्लिक है, आवाम है, उसका अपना भी कसूर है कि अगर वो तब्दीली एक नेशन बन के सोचे तो बेहतर हो सकता है। अच्छे लोगों को भेजे, अभी कल इलेक्शन का दिन है, उसको जो है अच्छे लोगों को भेजे कि वो कल के हमारे लिए अच्छा काम कर सके, अच्छा बेहतर हो, हमें तालीम दे, हमें सेहत दे, हमें और सी मतलब तालीम के अलावा तो है, जान की सेफ्टी तो जरूरी ना, जिस तरह आज अटैक हुए सर, तो जरूरी है, वो तो जरूरी है, वो तो बहुत लाजमी है, वो लाजमी जूस है सेहत का। ठीक हो गया, वो लाजमी। तो आप बात करेंगे भाईजन, कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? क्या सर, खैरियत। क्या नाम है सर आपका? इरफानुल्लाह सर। क्या करते हैं इरफानुल्लाह भाई? मैं खुद स्टूडेंट हूं अभी, बेस स्टूडेंट है। किस क्या यूनिवर्सिटी इधर बलूचिस्तान में? अभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। सर मुझे ये बताएं, आज हम लाहौर से आए हैं बलूचिस्तान के अंदर, हम यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे कि यहाँ पे हालात देखे जाए। आज ही हमने सुना है कि तीन चार अटैक हुए हैं, पाँच अटैक किस जगह पे हुए हैं? सिबी में हुआ है, पशीन में हुआ है, खानोजी में मैं खुद मौजूद था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और दूसरा किला सिपला में हुआ है, इधर क्वेटा में हुआ है। सर ये बताएं क्यों मतलब
मतलब हमने हमेशा कश्मीर फलस्तीन के नारे लगाए हैं, अपने बलूचिस्तान में ये हालात है, क्यों दहशत गर्दी खत्म नहीं कर रहे, क्यों लोगों को फैसिलिटीज नहीं दे रहे? हम लोगों को चाहिए पहले हम लोग फलस्तीन से नजरें हटा लें, पहले अपने तरफ कर लें। सर आप देखिए आज कितनी डेथ हुई है, अगर बलूचिस्तान की बात, जुल्म इसराइल ने फलस्तीन पे नहीं किया उतना हमारे साथ हो रहा है, तो पहले हम लोगों को इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। दूसरा मैं सबके सामने कहना चाहूँगा वोट पर खान, और पहले उसको लाना चाहिए ताकि हम लोगों का शऊर जो है अभी बहुत वो है, हम लोगों को थोड़ा इमरान खान ने वो किया है, हम लोगों के नजर अभी तक रोडों पे नालियों पे इन चीजों में अटके हुए, एजुकेशन पे एम्प्लॉयमेंट पे अवेयरनेस पे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी और हम ये बात है, अगर खान आएगा वो थोड़ा एजुकेटेड बनता है, सब लोग बोलते हैं कि वो कठपुतली है, मुझे उसकी शक्ल में कठपुतली ही चाहिए। मुझे तो मैं देखे खान की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ, अगर खान साहब बेहतर है, कोई भी बेहतर है ना, वो आए मुल्क की बेहतरी के लिए जो आए, जो आम पब्लिक की बेहतरी के लिए, बाकियों को तो बात करना ही नहीं आता है, तो हमने देखा है कभी जाते हैं कृपा करने मांगने आते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, बात करने की तमीज ही नहीं है, बस जो है सर बात करने की तमीज तो हो, लेकिन जो अपने साइडों पे एरिया इनकी भी तो बात, खान के दौर में ना एक ड्रोन अटैक हुआ है, ना कोयटा में कोई अटैक हुआ है, ये सबको पता है, ये छुपाने वाली बातें नहीं है, अगर खान आएगा तो सब कुछ सेट होगा। ये पिछले चार दिन पहले 24 आवर में सुना था कि मच में जो अटैक हुए तकरीबन बहुत ज्यादा अटैक हुए, खुद खान के दौर में मैं नहीं बोल रहा, सर्वे कर ले, मैं आज मच गया था आते वक्त तो मुझे कवरेज नहीं करने दी गई, बिल्कुल मतलब क्यों, मैं तो चाहता था कि यार वहाँ पे हालात दिखाए जाए, लोगों के हालात दिखाए जाए, इतनी दूर से आने का मकसद ये था, पंजाब से लाहौर से मैं आया हूँ कि यार लोगों के हालात जो है उनको दिखाया जाए कि ये भी लोग रहते हैं, एक दफा नजरें हटा के अपने बलोचिस्तान के लिए भी तो बस ना, पहले वहाँ से हम लोगों के ऊपर नजरें घुमानी चाहिए कि हम लोग भी यहाँ पे इंसान रहते भेड़ बकरियाँ। मुझे आप लोग एक बात बताएं, माशाल्लाह आप बलूचिस्तान से हैं, हमेशा यहाँ पे कहा गया है कि इधर जो भी कुछ हो रहा है इंडिया रा की फंडिंग से होता रहा है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं अगर वो लोग यहाँ पे, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो पहुँचते थे तो हमारे सियासतदान ही यहाँ पे पहुँच सकते थे, लोगों के हालात सुनते, यहाँ पे इनको एजुकेट करते, सिस्टम को बेहतर करते, सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, बॉर्डर बंद कर दे, सील कर दे, सर क्या आते होंगे आप बताएं, मुझे जितनी सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं या हर चीज है, सर अभी देखो आज धमाके हुए उसकी जांच पड़ताल की जाए, हम लोगों ने तो सुना था कि हम लोग समंदर में सुई भी ढूंढ सकते हैं, तो फिर ये भी ढूंढते, सिंपल सी बात है, उसमें अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो उसका एडवांस में जवाब ही रहेगा। असल चीज हम लोग का देखो लीड करने वाला पाकिस्तान में कोई हुकूमत आया ही सही, आवाम की नुमाइंदगी करने वाला आया ही नहीं है, ना आने दी है। मुझे ये बताएं बलूचिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं ये क्यों हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती? मीडिया तो आप लोग खुद हम लोगों से सवाल कर रहे हो, आप मीडिया वाले मैं एक सोशल मीडिया चैनल से हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं हूँ, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से होता तो शायद यहाँ नहीं, आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग 1300 किलोमीटर 1400 किलोमीटर में आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग किसका ये बेगुना जाने, हम लोग कब तक ये देंगे, ऐसे ही है, इतना हम लोग का आज जितना सफ़े मातम और एक कर्बला का सिस्टम बनाया गया और हम लोग के ऊपर मुसलत किया गया, ये जंग हम लोग पर मुसलत किया गया हुआ है, ऐसा नहीं है, अभी हम लोग का आवाम का जो नुमाइंदा होगा, कल अभी इलेक्शन है, अगर हम लोग आवाम वाले लीडर को अगर लाएंगे ये मुल्क सही चलेगा, मुल्क अगर आवाम का लीडर को नहीं लाएंगे, हम जो आवाम का नुमाइंदा है उनको नहीं लाएंगे, मुल्क और धक्के उसमें चला जाएगा, लिहाजा हम दस्तबस्ता अपील करते हैं, हम लोग का कल जो हम लोग इलेक्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन में, हालांकि हम लोग खून बहा चुके हैं, सब कुछ बहा चुके हैं, इसके बावजूद हम निकलेंगे पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, निकलेंगे पाकिस्तान की अमन के लिए निकलेंगे। ये जी बलूचिस्तान के लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और ये मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद हमारे सियासतदान मर चुके हैं कि जो जिन्होंने यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की, जिन्होंने इनके ऊपर फोकस नहीं किया, बस हम अपने इदारे वालों को भी दस्तबस्ता वो करते हैं, हम लोग के आज सरों पर हाथ रखे और हम लोग का इलेक्ट नुमाइंदा हम लोग पर जो है ना हुक्मरान आ जाए, इस तरह बिल्कुल अमन आएगा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में अमन आएगा। जब मैं आज सुबह आया था ना, जब मैंने अटैक्स का सुना और सुना कि इतनी जाने गई और वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं थी, तो कसम से क्या कह रहे हैं जी, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए जी, क्या बात कर रहे थे सर आप? मैं कहता हूँ आज जो कर्बला का समय है बलूचिस्तान में, हम आवाम यही चाहते हैं कि हम लोग फिर भी निकलेंगे पाकिस्तान के लिए, निकलेंगे पाकिस्तान की अमन के लिए निकलेंगे, हम प्यार करने वाले हैं, अपने अफवाज से प्यार करने वाले हैं, अपने इदारों से प्यार करने वाले हैं, हम लोग मकसद दहशत गर्द नहीं है। आप देखें ना जब अटैक्स होते हैं तो वही ये जो भी माओं के बेटे हैं जो सिक्योरिटी इदारों वालों की जाने जाते हैं, ठीक है, तो इस टाइम तो हमारे सियासतदानों को चाहिए ना कि एक मतलब गवर्नमेंट एक प्रॉपर लेके आए, मुल्क को बेहतरी के लिए चलाए, इसीलिए हम लोग भी यही कहते हैं कि हम लोग का इलेक्ट हुआ नुमाइंदा आए, ना कि कोई चोर डाकू जो हम लोग पर मुसलत किया जाए,
आज हम लोग का यही वजह है कि हम लोग अपना इलेक्ट हुआ हुआ बंदा को हम लोग मुसलत अपने ऊपर हुक्मरान नहीं ला सकते, अमन नहीं आएगा। लिहाजा हम लोग का जो इलेक्ट सुबह इलेक्शन है, फिर भी हम लोग जाएंगे अपने नुमाइंदों को वोट देंगे जो सही बंदा होगा। हम लोग गलत बंदे को वोट नहीं देंगे, और सही बंदे को लाएंगे इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और बलूचिस्तान भी खुशहाल होगा और पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? मेरा ज़किया। ज़किया, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हो गई हूँ अब, पहले तो टीचर थी ना। ठीक हो गया। बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम हम मौजूद हैं, ये बताएं बलूचिस्तान के कंडीशन के ऊपर और बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा। बलूचिस्तान, आप बलूचिस्तान से हैं? हाँ, वैसे तो है मेरा बलूचिस्तान के साथ। अच्छा। लेकिन ना मैं कराची में रहती हूँ, मैं बरोई हूँ वैसे। अच्छा। तो इसलिए इसके साथ सदियों का रिश्ता है। बरोई मुझे समझ नहीं। बरोई मीन बरावी। अच्छा। हाँ, और ये क्वेटा में बरावी है ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए अगर देखा जाए तो जिस तरह हमें अलग कर दिया गया, कोयटा के अंदर भी इशू है, एजुकेशन या सिस्टम की बात की जाए, तो इस टाइम आप यूट्यूब पे वीडियो किस टाइप की बनाती हैं? मैं तो ये है कि जैसे घूमने फिरने की, जैसे आप बना रहे हो ना, जैसे मैं तो पॉलिटिकल इश्यूज पे बनाता हूँ, करंट अफेयर पे करता हूँ, इंटरनेशनल करंट अफेयर। शायद मैं आपसे बहुत पीछे हूँ। देखे, मैंने सिर्फ मेरे काम का करने का मकसद ये था कि हमने हमेशा फलस्तीन कश्मीर की बात तो की, हमने अपने बलोचिस्तान को भी तो बेहतर करना है ना। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। जो हमारी औरतें हैं इनको फैसिलिटीज, प्रॉपर एजुकेशन पे काम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, और जितने भी हमारे यहाँ पे इशू है इनको हल किया जाए। हाँ, तो आपने मेरे साथ एक प्रॉमिस करना है, इंशाल्लाह ये आपको लोग जो मुझे देखने वाले हैं ये वैसे भी बलूचिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, ये आपको सब्सक्राइब लाजमी करेंगे, लेकिन आपने एक काम करना है कि जितना हो सके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, एक और बात मुझे ये कहनी है कि मैं जब देहात में जाती हूँ तो वहाँ के लोग है ना, लेडीज बहुत कतराती हैं मुझे, जेंट्स की और बच्चों की बनानी पड़ती है हर दफ़ा। कहते जब वीडियो डाल देती हूँ, हमारी वीडियो डिलीट करो, इतना मसला है। मैं अब कहती हूँ कि आप लोगों को सलाम है कि आप लोग किस तरह से बनाते हो, कवर कर रहे हो इनको, तो कवरेज दे रहे हो। ये देखें कि ये हमारा मुल्क कितना पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। अभी मॉडर्न लोग हैं ना, वो भी मना करते हैं, नहीं नहीं हमारी वीडियो नहीं बनाओ, ये ऐसे करते हैं। अब क्या करें, क्या वजह है? वजह ये है कि अभी भी पर्दा है यहाँ पे, वही नहीं, पर्दा तो है लेकिन एक राइट्स एजुकेशन सिस्टम भी तो बेहतर करना चाहिए, जिस तरह दुनिया आगे जा रही है। देखें, एजुकेशन है लेकिन अभी थोड़ा मसला है, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।